हाँ मम्मी, हाँ सामान लाना है। अच्छा ठीक, बताइए क्या लाना है। हाँ ठीक, 2 किलो चीनी, ठीक पटाखे, झालर, ठीक 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 मम्मी। नहीं मम्मी पैसे हैं नहीं, सैलरी मिली ना तो ठीक। कोई झालर दिखा दीजिए सस्ती मद्दी, चाइना वाइना वाली कोई। चाइना वाइना वाली ना लो, ये थोड़ी सी सस्ती पड़ेगी, लेकिन उससे बढ़िया इंडियन लो, महंगी पड़ेगी लेकिन अच्छी रहेगी, ये ज़्यादा ठीक रहेगी। भैया मुझे वही चाइना वाली दो, हमको इंडियन वाली नहीं चाहिए, हमको वही सस्ती मद्दी दे दो। ठीक है चलिए, जैसे आपकी मर्जी। कौन सी देते हैं वैसे? यही दे दीजिए, दोनों 30-30 दे ना। हाँ ये दे दीजिए। पैसे कितने हो? 7। अरे माफ करना भाई साहब, गलती हो गई, सॉरी। अंधे हो क्या, एकदम से दिखाई नहीं पड़ता क्या? सॉरी। अरे मैं बोल तो रहा हूँ, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। तुम्हारी सॉरी से मेरी झालर लौट आई क्या? सॉरी भैया, कौन सी इतनी अच्छी वाली है, चाइना वाली ही तो है। मेरी मेहनत की कमाई क्या है, कभी कमाओगे तो जानोगे। भाई साहब सिर्फ आप मेहनत नहीं करते, हम भी मेहनत करते हैं। अरे अंधे कहीं के, एक तो दिखाई नहीं पड़ता, ऊपर जमा लड़ाता है। बहुत मेहनत मेहनत कर रहे हैं ना, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि असली मेहनत कौन करता है। चलिए पहचानते हैं आप जैसे लोग इन गरीबों को नहीं पहचाने। ये वो लोग जो एक दिवाली से दूसरी दिवाली इंतजार करते हैं, लोग आएंगे हमारे पास दीपक खरीदेंगे, और आप जैसे लोग जाके झालर खरीदते हैं। आप मेहनत की बात कर रहे थे ना, असली मेहनत के हकदार ये लोग हैं जो रात और दिन मेहनत करके हम लोगों के लिए दिए बनाते हैं। आप 100 रुपए लेके दुकान पे जाते हो, 2-3 झालर खरीद के लाते हो। कभी आपने ये सोचा अगर 50 रुपए के सामान आप इनके यहां से खरीदोगे तो ये कितना खुश होंगे? आपको अंदाजा भी है कि वो 50 रुपए इनके लिए कितना महत्वपूर्ण है? क्या दीपावली मनाने का हक सिर्फ हम जैसे लोगों को है, इन जैसे गरीबों को नहीं है? और आप मेहनत की बात कर रहे थे ना, जो आप अपनी मेहनत से पैसा कमाते हो वो उसका सामान खरीदते हो, वो दूसरे देश का सामान है। आपको पता है आप अपना पैसा, अपना कमाया हुआ पैसा दूसरे देश को भेज रहे हो, उसको सशक्त बना रहे हो। अगर आपको सामान लेना है तो अपने देश का लीजिए ना, आप दूसरे देश को क्यों दे रहे हो अपना पैसा? आप दूसरे देश को खुशियां दे रहे हो और अपने देश की खुशियां को छीन रहे हो। अच्छा एक बात बताइए, आप जानते हैं दिवाली क्यों मनाई जाती है और कैसे मनाई जाती है? दिवाली का त्योहार दिए अर्थात दीपक से मनाया जाता है, और आप जैसे लोग नहीं समझेंगे इस बात को। मुझे पता है आप जैसे लोग झालर क्यों लगाते हैं, इसका सिर्फ यही रीजन है कि आप ये सोचते हैं कि आपके बगल वाले घर में झालर लगी तो आप दिए कैसे जलाएंगे। अरे भाई साहब एक बार दिए जलाओ, मेरे कहने पे दिए जलाओ, और दोनों घरों के सामने खड़े होकर देखना, अपने दिल से पूछना कि कौन सा घर ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। बात करते हैं ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? ये उन्हीं गरीबों का पानी है जिनकी आप खुशियां छीनते हैं। आपको ये पानी पीना नहीं चाहिए, इसी पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बस करिए भाई साहब बस करिए, मैं सब समझ गया, मुझसे गलती हो गई। हमारे छोटी सी मदद से पूरे देश में खुशियों से दिवाली मनाई जा सकती है। भाई साहब मुझको भी थोड़ी सी दिवाली दे दीजिए। लीजिए। अरे भाई साहब 20 रुपए कहीं। अरे आप रख लीजिए, आपको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां मैं याद रहे तू, वतन मेरे वतन।
आप लोगों से ये नहीं कहूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें या कमेंट करें इसमें, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे पूरे देश का भला इन लोगों की खुशियों से हो सके। ये लोग इन लोगों को भी उतना ही है कि जितना हमें है दीपावली मनाने का, और हम चाहते हैं कि आपकी थोड़ी सी मदद से हर घर में खुशहाली से दिवाली मनाई जा सकती है। सब कुछ फिट हिट लिटिल लाइफ तेरे यार दी, लाइफ तेरे यार दी।